मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वस्थ भारत अभियान सशक्त भारत अभियान का ही हिस्सा है। इसे लेकर सभी संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों और आमजन को सरकार के कार्यक्रमों से जुड़ना होगा। सब लोग एक साथ सामूहिकता की भावना से जुड़ेंगे तो इसके सफल व सार्थक परिणाम आएंगे। सामूहिकता के भाव से ही हमने 40 साल तक मासूमों पर कहर बरसाने वाली इंसेफलाइटिस पर पूरी तरह नियंत्रण पाया है। वैश्विक महामारी कोरोना को काबू में कर पूरी दुनिया के सामने नजीर पेश की है। सीएम योगी रविवार को गोरखपुर में जिला महिला अस्पताल के सामने स्थित परिसर में पल्स पोलियो अभियान के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने 5 बच्चों को अपने हाथ से पोलियोरोधी ड्रॉप भी पिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 12 वर्ष पूर्व ही पोलियो की समस्या पर समाधान प्राप्त कर लिया है, पर इन 12 वर्षों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत कुछ देशों में पोलियो के मामले सामने आए हैं। बीमारी संक्रामक होने के नाते जब तक वायरस दुनिया से समाप्त नहीं हो जाती, खतरा बना रहता है। इसलिए पूरी दुनिया में पोलियो उन्मूलन होने तक हमें सार्थक प्रयास करते रहना होगा। उन्होंने कहा कि जरा सोचिए, पोलियो की चपेट में जो बच्चे जिंदगी भर के लिए अस्थायी विकलांगता के शिकार हो जाते हैं, उनके व उनके परिवारों पर क्या बीतती होगी। इसलिए सरकार पोलियो उन्मूलन अभियान को तब तक जारी रखेगी जब तक पूरी दुनिया से यह बीमारी खत्म नहीं हो जाती। सीएम योगी ने बताया कि पल्स पोलियो अभियान के तहत प्रदेश में 5 वर्ष तक 3.80 करोड़ बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पोलियोरोधी ड्रॉप पिलाई जाएगी। इतने बच्चों को बीमारी से सुरक्षा कवर देने के लिए 1.10 लाख बूथ बनाए गए हैं। साथ ही 76,000 सचल टीमें लगाई गई हैं। जो नई पीढ़ी हमारे बीच आ रही है, हम इस अभियान को सफल बनाकर उसका बचाव करने में सक्षम होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पल्स पोलियो अभियान के अलावा बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए मिशन इंद्रधनुष भी चलाया जाता है। मासूमों को पूरा टीकाकरण कवरेज समय पर देना होगा, यह हर एक बच्चों का अधिकार है तो हम सभी का दायित्व भी। सीएम योगी ने धर्मगुरुओं, जनप्रतिनिधियों, संस्थाओं एवं जागरूक लोगों से अपील की कि वे पल्स पोलियो अभियान में अपना योगदान दें। सीएम योगी ने इंसेफ्लाइटिस पर प्रभावी नियंत्रण का श्रेय अंतर विभागीय समन्वयन की ताकत को देते हुए पल्स पोलियो अभियान व अन्य कार्यक्रमों में भी इसकी आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 40 वर्षों में 50,000 मासूम इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आकर असमय काल कवलित हो गए थे। हमने 4 वर्ष में इसके उपचार व संपूर्ण उन्मूलन की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए। इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौत के आंकड़े 95% तक नियंत्रण में हैं। अब इनके संपूर्ण उन्मूलन का अवसर है। इंसेफ्लाइटिस पर नकेल कसने में स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य विभागों के सामूहिक प्रयास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालय व मजबूत हुए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा योगदान है। सीएम योगी ने कहा कि सामूहिकता के बल पर 4T ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट और टीकाकरण फार्मूले को अपनाकर उत्तर प्रदेश वैश्विक महामारी कोरोना के प्रबंधन में पूरे देश में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के दस्तक के दौरान मार्च 2020 में यूपी में RT-PCR जांच की सुविधा नहीं थी, जबकि आज प्रदेश के हर जिले में RT-PCR लैब है। आज प्रतिदिन 4 लाख RT-PCR जांच की क्षमता है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जांच व वैक्सीन देने वाला राज्य है। उपचार के लिए सर्वाधिक बेड्स व सुविधाएं यूपी के पास है। पहले 36 जिलों में वेंटिलेटर नहीं थे, आज हर जनपद में है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में 29.60 करोड़ कोविड वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। अब तो 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 5 साल में यूपी का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मजबूत हुआ है। एक समय तक इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित पूर्वी उत्तर प्रदेश में इलाज का एकमात्र केंद्र BRD मेडिकल कॉलेज ही था, वह भी जर्जर हालत में। आज BRD मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी सुविधा है।
बाल रोग संस्थान है। गोरखपुर में 1000 बेड्स की सुविधा वाला एम्स शुरू हो गया है। बस्ती, देवरिया, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज शुरू हो गए हैं। कुशीनगर में निर्माणाधीन है। महाराजगंज में बनने जा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों को भी मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन गए हैं, बनाए जा रहे हैं या बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें क्षय रोग टीबी के उन्मूलन की दिशा में भी तेजी से काम करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए जारी वृहद अभियान में हम सभी को जुड़ना होगा। उन्होंने कहा कि आप टीबी से ग्रस्त किसी एक बच्चे को गोद लेकर और सरकारी कार्यक्रमों से उसके उपचार से जुड़कर अपना योगदान दे सकते हैं। यह एक राष्ट्रीय अभियान है। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन व अन्य संस्थाएं भी टीबी उन्मूलन की दिशा में प्रयासरत है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अमित मोहन प्रसाद ने विभाग के कार्यक्रमों व उपलब्धियों की जानकारी दी। इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य शिव प्रताप शुक्ला, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह, बांसगांव के विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान, प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी उपस्थित रहे। जिसका हम सब लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, ये गोरखपुरवासियों के आपके लिए बेहद कीमती का समय है और एक अनमोल दिन है। हम सब के चहेते माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो चुका है। कटल ध्वनियों से इनका स्वागत करें, सबका स्वागत करें, कटल ध्वनियों से स्वागत करें। सबसे पहले सर तमाम अधिकारियों के साथ जो है वो भैया नमस्कार, स्वागतम, सुप्रभात। और अपर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश अमित मोहन प्रसाद सर का भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए व्यक्त करें और सभी अतिथियों से आग्रह करती हूँ कि कटल ध्वनियों से सर का आभार व्यक्त करें। आज का दिन गोरखपुर वासियों के लिए एक विशिष्ट दिन है, क्योंकि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पल्स पोलियो का उन्मूलन हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रम का उद्घाटन करने यहाँ पधारे। मैं आग्रह करूंगी अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय, आज हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि हम बच्चों की सुरक्षा के लिए पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ गोरखपुर की पावन धरती से कर रहे हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि विश्व में अब केवल दो देश ऐसे हैं जहां वाइल्ड पोलियो की समस्या अभी भी विद्यमान है, वे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान। लेकिन पिछले वर्ष और इस वर्ष दो और देश ऐसे हैं जहां वाइल्ड पोलियो वायरस का एक एक नया केस देखा गया, भैया मलावी में और इसराइल में। इसलिए ये बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि हम अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए पल्स पोलियो अभियान के दौरान पोलियो के ड्रॉप्स 5 साल से छोटी उम्र के सभी बच्चों को अवश्य पिलाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा हम सबों में और हमारे विभाग में निरंतर ऊर्जा भरने का कार्य करती है, चाहे वो कोविड के नियंत्रण का अभियान हो, चाहे वो कोविड के टीकाकरण का अभियान हो, हर एक में उत्तर प्रदेश ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कोविड टीकाकरण में भी हम 29,60,00,000 से ज्यादा डोज दे चुके हैं। पोलियो में 2010 में फिरोजाबाद में उत्तर प्रदेश में आखिरी केस आया था, उसके बाद से 21 अप्रैल 2010 के बाद से लगभग 12 वर्ष से यहाँ कोई केस नहीं आया है। भारतवर्ष में भी आखिरी केस हावड़ा पश्चिम बंगाल में 2011 में आया था और 2014 में भारतवर्ष को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद से भी हम पोलियो का ड्रॉप निरंतर अपने नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में भी देते हैं
और हम पल्स पोलियो अभियान के माध्यम से वर्ष में दो बार तीन बार बच्चों को फिर से पोलियो के ड्रॉप्स देते हैं ताकि किसी भी प्रकार की समस्या बच्चों के सामने ना आए। पोलियो से जहां बच्चों में विकलांगता हो सकती है वहीं कुछ बच्चों की इसमें मृत्यु भी हो जाया करती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग निरंतर कार्यरत है और स्वास्थ्य विभाग निरंतर नए नए मानक स्थापित कर रहा है। कोरोना के अलावा इस क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो जेई और एईएस में अभूतपूर्व कार्य हुआ है उसकी प्रशंसा पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में होती है। करता हूं उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से आज के इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला और हमेशा ही वो स्वास्थ्य विभाग को अपना आशीर्वाद देते हैं। मैं सर आपका हृदय से आभारी हूँ। स्वागत करें सर का। पल्स पोलियो अभियान के आज के इस शुभारंभ कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित माननीय सांसद श्री शिवप्रताप शुक्ला जी, नव निर्वाचित विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री बिपिन सिंह जी, मान्य विधायक मांसगांव डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद जी, गोरखपुर के सभी प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि उत्तर प्रदेश का पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ महायोगी भगवान गोरखनाथ की इस पावन धरती से एक बार फिर से हम इस संक्रामक महामारी जो अस्थाई दिव्यांगता का कारक भी बनती है इसके उन्मूलन की दिशा में उठाए गए कदमों को एक बार फिर से 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए इस अभियान का शुभारंभ आज यहां पर कर रहे हैं। यद्यपि उत्तर प्रदेश ने पोलियो उन्मूलन के इस कार्यक्रम को आज से 12 वर्ष पहले सफलतापूर्वक इसका समाधान भी निकाल लिया था, लेकिन पिछले 12 वर्ष के दौरान जो बातें दुनिया के अंदर देखने को मिली हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी पोलियो से जुड़े हुए मामले देखने को मिले हैं और बीमारी संक्रामक होने के नाते यह इसका खतरा लगातार बना रह सकता है, इसलिए जब तक कि पूरी दुनिया से इसका पूरी तरह उन्मूलन नहीं हो जाता है तब तक इस सतर्कता के लिए हमें न केवल वर्तमान को बल्कि भावी पीढ़ी को भी बचाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास करना होगा और पल्स पोलियो अभियान उसी का हिस्सा है। हम सब इस बारे में ध्यान में रखते हैं कि सामूहिकता पर कितनी ताकत होती है, जब सभी लोग एक साथ मिलकर के अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं तो उसके बेहतर रिजल्ट भी हम सबके सामने प्राप्त होते हैं। और वर्तमान में हम इस बात को आसानी से जान सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का कोविड प्रबंधन दुनिया के अंदर सराहा गया। इस महामारी से दुनिया के अंदर लाखों लोगों की मौतें हुई, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन भारत के अंदर 40
के सूत्र को अंगीकार करते हुए जिस मजबूती के साथ भारत ने कोविड प्रबंधन की एक नई छाप दुनिया के सामने प्रस्तुत की है, सर्वत्र उसकी सराहना हुई। और भारत के कोविड प्रबंधन को जब राज्य के अंदर हमने लागू किया तो आज उत्तर प्रदेश कोरोना प्रबंधन में देश के अंदर अग्रणी स्थान रखता है। सर्वाधिक टेस्ट, सर्वाधिक वैक्सीन की डोजेज, कोरोना के उपचार के लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जिस राज्य के बारे में कहा जाता था कि यहां का पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस उत्तर प्रदेश ने देश के सामने यह साबित किया है कि नहीं, हम किसी भी मामले में कमजोर नहीं है, बल्कि हमारे पास सर्वाधिक बेड्स मौजूद हैं, सर्वाधिक सुविधाएं कोरोना से के उपचार के लिए भी मौजूद हैं। और आज मैं कह सकता हूं, जब इस देश के अंदर कोरोना आया था और उत्तर प्रदेश के अंदर पहला मामला देखने को मिला था, तब हमारे पास कोरोना की आरटीपीसीआर की टेस्ट करने की कोई सुविधा नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश के हरेक जनपद में हमारे पास आरटीपीसीआर का टेस्ट करने के लिए लैब्स मौजूद हैं। और यही नहीं, गोरखपुर में भी तीन तीन जगह हमारे पास टेस्ट करने की सुविधा है। इसके साथ साथ 4,00,000 टेस्ट करने की क्षमता आज के दिन पर प्रतिदिन उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। यानी मार्च 2020 में हमारे पास एक भी टेस्ट करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन उत्तरोत्तर इसमें हम लोगों ने प्रगति की और आज के दिन पर 4,00,000 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता अकेले उत्तर प्रदेश देश के अंदर रखता है। सर्वाधिक बेड्स हमारे पास मौजूद हैं। जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड प्रबंधन के कार्य को आगे बढ़ाया, 36 जिले हमारे ऐसे थे जहां पर एक भी वेंटिलेटर हमारे पास नहीं था। आज सभी 75 जनपदों में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कोरोना के उपचार के लिए बेड्स मौजूद हैं और सभी 75 जनपदों में वेंटिलेटर और आईसीयू बेड्स भी हमारे पास मौजूद हैं। ट्रेन्ड मैन पावर भी हमारे पास है। कोरोना प्रबंधन उत्तर प्रदेश का देश के अंदर सराहा गया। कारण था, उत्तर प्रदेश की टीम ने जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया उसके परिणाम भी सर्वत्र देखने को मिले। हेल्थ वर्कर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, ENM हैं, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, राजस्व के कर्मियों ने, पुलिस विभाग के कर्मियों ने, सभी ने मिलकर के अपने अपने क्षेत्र में बेहतर करने का प्रयास किया। हमारी निगरानी समितियों ने, लोग मुझसे पूछते थे कोरोना से कैसे बचाएंगे, तो कोरोना के उपचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन तो हमारे सामने था ही, लेकिन हम उससे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश, गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में कभी बच्चों की काल बन चुकी बीमारी इंसेफ्लाइटिस का हम लोगों ने सफलतापूर्वक समाधान निकाला था, जो बीमारी 40 वर्षों में 50,000 से अधिक मासूम बच्चों को इस क्षेत्र में निगलने के लिए जिम्मेदार मानी जाती थी, उस बीमारी का उपचार मात्र 4 वर्ष के अंदर हम लोगों ने न केवल उपचार उसका निकाला, बल्कि आज इंसेफ्लाइटिस के संपूर्ण उन्मूलन की दिशा में सरकार के कदम आगे बढ़ चुके हैं। आप सोचिए कि 40 वर्षों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 50,000 मासूम इस बीमारी की चपेट में आए थे और वे असमय काल कल्पित हुए, लेकिन आज इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौत के आंकड़ों को 95% से अधिक हम लोगों ने नियंत्रित कर दिया है और आने वाले समय में और भी अच्छे ढंग से हम संपूर्ण उन्मूलन की दिशा में
इंसेफ्लाइटिस के संपूर्ण उन्मूलन की दिशा में कदम बढ़ाने की ओर हम लोग अग्रसर हैं। यह अंतर विभागीय समन्वय की ताकत है और पल्स पोलियो के लिए भी इस अंतर विभागीय समन्वय की आवश्यकता हम सब महसूस करते हैं। आपने देखा होगा कोरोना का एक मामला दुनिया के अंदर कहीं एक देश में निकला और धीरे धीरे करके उसका फैलाव होता गया, पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। उसमें संक्रमण तीव्र था, स्वाभाविक रूप से इसने कुछ ही महीनों के अंदर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। पोलियो भी एक संक्रामक बीमारी है और बच्चों को खासतौर पर अस्थाई अपंगता की ओर लेके जाता है। इसका उपचार है और पल्स पोलियो अभियान जिस प्रतिबद्धता के साथ अपने समय में चला था उसका परिणाम था कि 2010 में हम लोगों ने पल्स पोलियो के कार्यक्रम को पूरी तरह सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में पोलियो पर नियंत्रण प्राप्त किया गया। पिछले 12 वर्षों में पोलियो का कोई मामला उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिला, लेकिन जब तक दुनिया से यह वायरस पूरी तरह समाप्त नहीं होता तब तक खतरा बना रहेगा और इसलिए यह अभियान एक बार फिर से प्रारंभ हो रहा है। जो बच्चे दुर्भाग्य से इसकी चपेट में आते हैं, पूरी जिंदगी भर उस परिवार पर, उस बच्चे पर क्या बीतती होगी, आप थोड़ा कल्पना करिए। और इसीलिए अगर दो बूंद ड्रॉप की उस बच्चे को हम समय से दे दें तो इस बीमारी से बचाव का वो एक सर्वोत्तम उपाय है और उसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर से वे सभी संस्थाएं एक साथ मिलकर के कार्य करेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर यहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में जब इंसेफ्लाइटिस के संपूर्ण उन्मूलन की दिशा में सरकार ने कदम उठाए थे तो हम लोगों ने अंतर विभागीय समन्वय बनाया था, स्वास्थ्य विभाग को उसका नोडल विभाग बनाया गया था और फिर उसके लिए कार्यक्रम चले हम लोगों के अलग अलग स्तर पर, कार्यक्रम हमारे आगे बढ़ते गए और परिणाम रहा कि हम लोगों ने इस महामारी को पूरी तरह इस इंसेफ्लाइटिस की समस्या का उन्मूलन के समय हमने कदम बढ़ाया। मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण स्वच्छ भारत मिशन में हर परिवार को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाने में मदद मिली। खुले में शौच उसका एक कारण सामने आया था। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उन परिवारों को एक एक शौचालय मिला, स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिली। शुद्ध पेयजल जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर परिवार तक शुद्ध पेयजल, अब तो पाइप पेयजल योजना भी लागू की जा रही है, हर एक घर तक पाइप से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, आधी से अधिक बीमारी का समाधान उससे अपने आप होता हुआ। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोगों ने अच्छा किया। आप याद करिए आज से 5 वर्ष पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में केवल एक बीआरडी मेडिकल कॉलेज था, आज गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज तो अच्छे ढंग से काम कर ही रहा है, पहले जर्जर स्थिति में था, आज वहां पर सुपर स्पेशलिटी का भी ब्लॉक बन चुका है। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आप इस बात को देखते होंगे कि सुपर स्पेशलिटी के साथ ही वहां पर बाल संस्थान भी अब क्रियाशील होने वाला है। हम लोग वर्तमान में कोविड के उपचार के लिए हमने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में उसका उपयोग किया है। एम्स गोरखपुर का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री जी के करकमलों से भी दिसंबर माह में प्रारंभ हो चुका है। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, देवरिया में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो चुका है, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, बस्ती में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, महाराजगंज में निर्माणाधीन है। इसी प्रकार से पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में बलरामपुर में निर्माणाधीन है, बहराइच में प्रारंभ हो चुका है, गोंडा में निर्माणाधीन है, अयोध्या में प्रारंभ हो चुका है,
सुल्तानपुर में निर्माणाधीन है, यानी जिन जनपदों में केवल इन सभी जनपदों को मिलाकर के अकेले गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज हुआ करता था और उसकी हालत भी और संसाधनों के लिए हमेशा रोना होता था उसे, आज उसके पास संसाधन की कमी नहीं। आज ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज की स्ट्रेंथनिंग की गई, वहां पे अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई, बेड्स बढ़ाए गए, अच्छी सुविधाएं वहां उपलब्ध करवाई गई, वहां पे सुपर स्पेशलिटी का एक ब्लॉक प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत बना और अब तो 1000 बेड्स का गोरखपुर में एम्स का निर्माण भी पूरा होने के साथ ही उसका शुभारंभ भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हो चुका है। कोविड के उपचार के पहले इंसेफ्लाइटिस के लिए भी जो कार्यक्रम चले गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के हरेक जनपद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 10-10 बेड का आईसीयू का निर्माण किया गया, मिनी पीको का निर्माण किया गया, सीएससीज में किए गए और परिणाम हुआ कि सर्विलांस को बेहतर करने का परिणाम हम सबके सामने प्राप्त हुआ। आज इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन के साथ ही उत्तर प्रदेश का प्रभावी नियंत्रण कोविड प्रबंधन में भी है। मेरी अपील होगी आप सबसे, उत्तर प्रदेश ने 29,60,00,000 से अधिक कोविड वैक्सीन की डोजेज अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग उपलब्ध करा चुके हैं। 12 से 14 वर्ष के बच्चों को भी वैक्सीन की डोजेज लग रही है। जो भी इस पात्रता की श्रेणी में आता है हर व्यक्ति वैक्सीन जरूर ले। दूसरा, बीमारी में उपचार से महत्वपूर्ण बचाव होता है। अगर हम बचाव के रास्ते को अपना करके अभी से अपनी तैयारी करें तो मुझे लगता है कि इंसेफ्लाइटिस के बाद कोरोना प्रबंधन उत्तर प्रदेश की सर्वत्र सराहना हुई है और पोलियो उन्मूलन की दिशा में हम लोग पहले ही कदम आगे बढ़ा चुके हैं। 12 वर्ष में एक भी मामला नहीं आया है और मैं अनुमान करता हूं कि हमारा यह अभियान निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। हम वर्तमान पीढ़ी को 2 बूंद ड्रॉप की पोलियो की दवा पिला करके पोलियो पर प्रभावी नियंत्रण करने के उत्तर प्रदेश के इस अभियान को और मजबूती के साथ हमें आगे बढ़ाना होगा। इसमें हर तबके के लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, केवल स्वास्थ्य विभाग ही इसमें नहीं होगा। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ आंगनबाड़ी है, आशा वर्कर है, इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन के समय हमें यूनिसेफ और पाथ जैसी संस्थाओं ने अपना भरपूर योगदान दिया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे संस्थाएं हमारे इस अभियान के साथ जुड़ी थी और मेरी अपील होगी इन सभी संस्थाओं से, ये सभी संस्थाएं एक बार फिर से इस अभियान के साथ जुड़े। भाइयों बहनों, अनेक प्रकार के बच्चों से संबंधित टीका का कार्यक्रम मिशन इंद्रधनुष के भी समय समय पर कार्यक्रम चलते हैं। हमें उन मासूम बच्चों को समय से टीकाकरण का पूरा कवरेज भी देना होगा और अगर हम समय पे सावधानी रखेंगे तो उसका पूरा जीवन आगे सुरक्षित होता हुआ दिखाई देगा। ये हमारी न केवल एक उस बच्चे का अधिकार है बल्कि ये हमारा व्यक्तिगत दायित्व भी बनता है कि हम अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए हरेक बच्चे को स्वस्थ रखें, प्रसन्नचित रखें और देश के स्वस्थ एक भारत के इस अभियान को आगे बढ़ाने में हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से और मजबूती के साथ आगे बढ़ सकें। आज के इस अवसर पर मेरी सभी धर्मगुरुओं से भी, समाज के जागरूक नागरिकों से भी, जनप्रतिनिधियों से भी मेरी अपील होगी कि वे पल्स पोलियो के इस अभियान को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। प्रदेश के अंदर काफी बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का कार्य किया है, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर 3,80,00,000 बच्चों को यह अभियान जो आज से प्रारंभ हो रहा है, यह पोलियो से एक सुरक्षा कवर प्रदान करने में योगदान देगा। इसके लिए हम लोगों ने 1,10,000 पोलियो बूथ बनाए हैं और 76,000 से अधिक हमारी सचल टीमें भी इस दिशा में कार्य करेंगी।
इसमें सभी संस्थाएं अगर एक साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हैं, तो सफलता पूर्वक इस ड्राइव का परिणाम होगा कि हम लोग वर्तमान की जो हमारी पीढ़ी आ रही है, इस पीढ़ी को भी पोलियो जैसी संक्रामक और अस्थाई दिव्यांगता देने वाली बीमारी से बचाव करने में हम उन बच्चों को एक सुरक्षा कवर देने में सफल होंगे। मैं भी यहां पर देख रहा था, स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न प्रकार के स्टॉल बनाए हुए हैं। एक चीज में जो वहां पर देख रहा था, ट्यूबरक्लोसिस के भी स्टॉल लगाए गए थे। और मेरी अपील होगी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने और दुनिया के तमाम संगठनों संस्थाओं ने, यूएन ने भी 2030 तक दुनिया को टीबी से मुक्त करने के बड़े अभियान को हाथ में लिया है। और देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस से पूरी तरह मुक्ति का एक बृहद अभियान चल रहा है। हर जागरूक नागरिक ट्यूबरक्लोसिस से ग्रसित एक बच्चे को गोद लेकर के मुफ्त में उपचार है। इसमें सरकार के द्वारा इंसेंटिव भी है, हम उनको उपलब्ध करवाने में अपना योगदान दे दें तो यह एक राष्ट्रीय अभियान है। अगर समाज का कोई तबका या कोई व्यक्ति बीमार है तो संपूर्ण स्वास्थ्य के लक्ष्य को और संपूर्ण स्वास्थ्य के लक्ष्य के साथ साथ संपूर्ण समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में चुनौती हमारे सामने बनी रहेगी। और इसलिए हर एक व्यक्ति को इन बीमारियों से मुक्त करने के समय सरकार के इस कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़ेंगे तो निश्चित ही हमें सफलता प्राप्त होगी। स्वस्थ भारत अभियान वास्तव में सशक्त भारत अभियान का हिस्सा है और इस सशक्त भारत के निर्माण के लिए हर बच्चे को और हर नागरिक को स्वस्थ रखने में हम सब अपना योगदान देंगे। इस विश्वास के साथ मैं पल्स पोलियो अभियान के शुभारंभ के अवसर पर एक बार फिर से आप सबका आह्वान करूंगा कि हमारे मीडिया के प्रतिनिधि भी हैं, समाज के जागरूक नागरिक भी हैं और विभिन्न तबके से जुड़े हुए जो हमारे अलग अलग तबके के नेतृत्व करता है, वे सभी लोग इस अभियान को व्यापक पैमाने पर प्रसारित करने में अपना योगदान देंगे। इस पूरे अभियान के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।